आप देख रहे P20 न्यूज। ग्रेटर नोएडा शारदा यूनिवर्सिटी के सभागार में 7वां विश्व विज्ञान और मौखिक स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश और विदेश के कई नामी डॉक्टर ने हिस्सा लिया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉक्टर पवित्रा रस्तोगी प्रेसिडेंट UPDCI ने कहा कि जिस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं और उन टेक्नोलॉजी से कैसे मरीजों को सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं, चाहे वह मटेरियल को लेकर हो या फिर लेजर व सिटी स्कैन हो, इसी को लेकर इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस दौरान डॉक्टर अनमोल बगेरिया ने कहा कि उनका मकसद है कि जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही हैं, वैसे ही डॉक्टरों तक उनको समय से पहुंचाया जा सके। ग्रेटर नोएडा से लक्ष्मी बड़ोनी की रिपोर्ट। After the inauguration, she is going to conduct lecture for us on ophthalmology. क्या देख के अपने आज इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है गेस्ट आए हुए हैं, डॉक्टर्स आए हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर मतलब यूथ के लेवल पर जो है इस प्रोग्राम को लेकर क्या देखते हैं आप? यूथ के लेवल पे इस प्रोग्राम के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि यंग रिसर्चर्स आ रहे हैं, सारे न्यू लोग आ रहे हैं जो कि इमर्जिंग लोग हैं, और जो प्रैक्टिशनर्स हैं उन सब के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। इवन दो जो डॉक्टर्स यहाँ पे जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी बहुत सारी नई तकनीक सीखने को मिलेगी यहाँ पे, जो उनके भविष्य के लिए और मरीजों के लिए बहुत कारगर साबित होगी। हमारा प्रोग्राम का लक्ष्य यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों को नई तकनीक नई ट्रेनिंग से ट्रेन करें, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर होती है, ताकि ट्रीटमेंट में और इन सब में बहुत बेनिफिट मिल सके, और जो है बाकी ट्रीटमेंट्स जो है जैसे जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है वो हमारे इंडिया में भी सारी चीज़ें पॉसिबल हो सके एट द अफोर्डेबल एंड इकोनॉमिकल प्राइस। ठीक जी, ऑर्गेनाइज कराई है, इसको लेकर क्या देखते हो? वैसे भी आपने कोविड काल में काफ़ी सारे प्रोग्राम अपने अवेयरनेस के लिए कराए हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमारा विजन जो है ऐसे प्रोग्राम्स करवाने का, वो हेल्थ केयर नीड्स को या हेल्थ केयर फैटर्निटी को बढ़ाना है। जैसे कि हमने कोविड के दौरान फ्री वेबिनार्स करवाए थे, फ्री कैंप्स करवाए थे, फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए थे, और मीडिया के साथ भी फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए थे, तो हम लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहते थे, क्योंकि आजकल हमारे जो हमारे शहर में हेल्थ का कंसेप्ट हो गया है, वो लोग बहुत
निग्लेक्ट कर रहे हैं, बट जब से कोविड आया है लोगों ने अपने हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देना चालू कर दिया है, वो हेल्थ इश्यूज़ को समझने लग गए हैं। तो वो एक बहुत एक हर चीज़ कुछ बुरी चीज़ भी लाती है और अच्छी चीज़ भी लाती है। तो कोविड एक ऐसा दौर था जब हेल्थ केयर प्रोफेशन से नहीं बल्कि एक आम इंसान को भी एक डॉक्टर जितना नॉलेज हो चुका था। और अब हम डॉक्टर्स के लिए जो कॉन्फ्रेंसेज करवा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेवन्थ वर्ल्ड डेंटल साइंस एंड ओरल हेल्थ कॉन्फ्रेंस है जो कि साइनोडेंट और इंडियन सोसाइटी ऑफ डेंटिस्ट्री से ऑर्गेनाइज किया गया है, और ये कोलैबोरेशन हुआ है शारदा यूनिवर्सिटी की, ग्रेटर नोएडा और इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट। यहाँ इंटरनेशनल स्पीकर्स आए, नेशनल स्पीकर्स आए, स्टूडेंट्स आए हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल जोन से, सारे डॉक्टर्स हैं। हमारा जो विजन है इस कॉन्फ्रेंसेस को लेकर वो ये है कि डॉक्टर्स को एडवांस टेक्निक्स, एडवांस नॉलेज और एडवांस सर्जिकल प्रोटोकॉल्स और एडवांस सारी चीज़ें हम कम से कम कॉस्ट में, मान लीजिए कि फ्री कॉस्ट में हम उन्हें न्यू टेक्निक्स सिखा रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी से अवगत करवा रहे हैं, न्यू स्पीकर्स से इंटरेक्ट करवा रहे हैं। और हमारे पास आज काफ़ी इंटरनेशनल स्पीकर्स भी आए हुए हैं। क्या सोचते हैं आने वाले फ्यूचर में जो है, क्या मतलब हमारी जनरेशन पे डॉक्टर लेवल पे क्या इसके हमें जो है, क्योंकि सबसे पहले तो ये है कि जो भी डेंटिस्ट्री के प्रोग्राम्स हैं डेंटिस्ट्री के स्किल्ड वन है, ठीक है। तो जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज हैं आजकल अप टू डेट रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ पढ़ाई भी लगातार करनी होती है, कुछ कोर्सेज भी लगातार ज्वाइन करते रहने चाहिए, क्योंकि आपको लगातार अपने आप को अप टू डेट रखना है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, यहाँ बहुत सारे जितनी भी लोगों ने अभी सीरीज ऑफ लेक्चर्स कराए हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट करिकुलम्स पे, डिफरेंट स्ट्रेटजीज पे, कि कैसे पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। इसके साथ ही ये जो इनका मोटिव है, इन्होंने इस तरीके से किया है कि जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कुछ जो नए मटीरियल्स आ रहे हैं, हाउ टू यूज़ देम द मटीरियल्स इन द पेशेंट्स माउथ, कैसे स्टरलाइजेशन का बेहतर तरीका कर सकते हैं, कैसे लेज़र का यूज़ करना है, कैसे जितने टी स्कैंस हैं, जितने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स नए आ रहे हैं, उनको कैसे हम अपने पेशेंट्स को बेहतर तरीके से दे सकते हैं। ये मोटिव यूथ के लिए कर रहे हैं, यूथ के लिए कर रहे हैं, यूथ के लिए है, क्योंकि जो जितने भी, हालांकि जितना भी करिकुलम्स है वो लगातार सबको चेंज करता रहना पड़ता है, जो भी नए मेथडोलॉजीज आ रहे हैं उसके साथ आपको काम करना है। लेकिन यूथ के लिए यही मेरा मोटिव है, यही उनकी गोल की अपना अच्छा सा जो भी अपना काम करें तो बड़ी मेहनत के साथ करें और एक अच्छा मेंटोर अपने लिए देखें और अच्छी मेथडोलॉजी और अच्छे गोल के साथ सारे काम करें। ट्राई टू बिकम अ गुड डॉक्टर विद अ गुड ह्यूमन बींग।